दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और सरफराज खान को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन रचिन रविंद्र ने शतक जड़कर न्यूजीलैंड के लिए स्कोर को पहुंचाया 400 रन के पार। मिली 356 रन की बढ़त। लेकिन दोस्तों, मुसीबत में फंस चुकी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नहीं मानी हार। रोहित शर्मा ने छक्के चौकों की कर दी बरसात, तो कोहली और सरफराज खान ने भी निभाया साथ और जड़ दिया शतक। हारे हुए मैच में टीम इंडिया की करवाई दमदार वापसी, जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां आज सुबह तक ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ ये मुकाबला नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारी टीम के बल्लेबाज जब चाहे मनमर्जी मैच में वापसी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको हम बताएं कि हुआ ये था, जब दूसरे दिन का मैच कल शुरू हुआ था तो यहाँ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब दोस्तों, यहाँ टीम इंडिया जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो भारत के लिए बस ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 20 रन की पारी खेली थी, बाकी पूरी टीम 46 रन के कुल स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। अब दोस्तों, चिन्ना स्वामी की पिच इतनी भी बुरी नहीं थी कि यहाँ कोई टीम 150-200 रन भी ना बना सके। अब भारत की टीम ने पहली पारी में तो शर्मनाक प्रदर्शन कर दिया था और पूरी दुनिया में हमारी नाक कट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को ये पता था कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ एक अच्छी खासी लीड हासिल कर ली तो यहाँ टीम इंडिया को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। और दूसरे दिन का मुकाबला समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने डेवॉन कॉनवे के 91 रन की बदौलत 132 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। अब दोस्तों, तीसरे दिन का मुकाबला रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल की बल्लेबाजी के साथ शुरू हुआ, जहां दोस्तों शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आउट होंगे नहीं और भारत के लिए मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन तभी डेरिल मिचेल के रूप में पहला बड़ा झटका आज तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम को लगा। दरअसल दोस्तों, डेरिल मिचेल बाहर जाते हुए गेंद पर ऑफ स्टंप की ओर शॉट खेल बैठे और यहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने गली में शानदार कैच लपक कर डेरिल मिचेल को चलता किया और दोस्तों 18 रन बनाकर डेरिल मिचेल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को चौथा झटका लगा। अब दोस्तों, जैसे ही ये विकेट गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे टॉम ब्लंडल, जहां दोस्तों इस मुकाबले में रचिन रविंद्र और टॉम ब्लंडल पर पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, टॉम इस मैच में कुछ समझ और परख पाते, उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने वाइड क्रीज पर गेंदबाजी करवा दी और दोस्तों फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेलने के लिए गए टॉम ब्लंडल के बल्ले से भारी किनारा लेती हुई गेंद पीछे खड़े स्लिप में केएल राहुल के हाथों में चली गई, जहां 5 रन बनाकर टॉम ब्लंडल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को पांचवा झटका लगा। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में 150 रन की बढ़त हासिल कर चुकी थी, लेकिन यहां टीम इंडिया को जरूरी था कि 200 रन की बढ़त होने से पहले न्यूजीलैंड को रोका जाए। अब ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना जैसे ही शुरू किया तो 19 रन दोनों ने मिलकर बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी कप्तान रोहित शर्मा को याद आया कि वो क्यों ना ग्लेन फिलिप्स के आगे जडेजा को लेकर आए और दोस्तों, जैसे ही जडेजा गेंदबाजी पर उतरे, उन्होंने 63वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को अपने जाल में फंसाकर सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाली और यहां वो बोल्ड आउट हो गए और 14 रन की पारी यहीं उनकी समाप्त हुई। अब दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मैट हेनरी आए। अब दोस्तों, यहां रचिन रविंद्र एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाए पड़े थे, तो दूसरी तरफ मैट हेनरी उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने उनको भी 8 रन पर चलता किया और यहां न्यूजीलैंड की टीम के 7 बड़े विकेट मात्र 233 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। भारत की टीम को अब लगने लगा कि हम यहां से वापसी कर लेंगे और न्यूजीलैंड
इंग्लैंड की टीम को अब तो कोई मौका मिलने नहीं वाला। लेकिन दोस्तों शायद हमारी टीम गलत थी, यहाँ न्यूजीलैंड के लिए जब टीम सऊदी बल्लेबाजी के लिए उतरे तो यहाँ रचिन रविंद्र के साथ मिलकर उन्होंने 132 गेंदों में 137 रन की साझेदारी कर डाली। जी हाँ दोस्तों, ये साझेदारी अगर देखी जाए तो सही मायने में आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ दोनों बल्लेबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन इस कदर हावी रहा कि भारत के खिलाड़ी भी इस मैदान पर बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके इनको आउट किया जाए। तभी दोस्तों मोहम्मद सिराज ने 87वें ओवर में जाकर टीम सऊदी का विकेट गिराया, जो कि 65 रन बनाकर आउट हुए, और फिर रचिन रविंद्र 134 रन जड़कर इस मुकाबले में अपना विकेट भी खो बैठे। हालांकि दोस्तों रचिन रविंद्र ने अपनी टीम के लिए शतक जड़कर मुसीबत से न्यूजीलैंड की टीम को निकाला, वरना इस मैच में न्यूजीलैंड के पास 354 रन की बढ़त कभी हो ही नहीं पाती। अब दोस्तों यहाँ बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की, क्योंकि गेंदबाजों ने तो इतना ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन किया नहीं था। यहाँ पर बस रविंद्र जडेजा के नाम 3 विकेट हुए थे तो कुलदीप यादव को भी 3 बड़ी सफलताएं हाथ लगी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन 1 ही विकेट मात्र ले पाए तो मोहम्मद सिराज को 2 विकेट और बुमराह को भी 1 विकेट मिला। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर चमत्कार करके सबसे पहले तो इस बढ़त को जितना हो सके उतना कम करने की। हालांकि दोस्तों अब यहां 356 रन की बढ़त लेकर भारत की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर कर डाली। हालांकि दोस्तों यह दोनों बल्लेबाज इस बार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे पहले तो मात्र 80 गेंदों में दोनों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी को अंजाम दिया। अब यहां न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सोचने पर मजबूर हो गए, अगर ये दोनों बल्लेबाज भारत के खेल गए तो वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहां पर जब तक चाय ब्रेक हुआ तो इस दौरान भारत की टीम ने 57 रन जोड़ लिए थे, जहां यशस्वी जायसवाल 29 तो रोहित शर्मा 27 रन बनाकर खेल रहे थे। तो वहीं दोस्तों चाय ब्रेक समाप्त हो जाने के बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए फिर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही फिर से बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में एजाज पटेल ने फंसा लिया, जहां उनको आगे बढ़कर शॉट लगाने के लिए मजबूर कर पीछे खड़े टॉम ब्लेंडन ने स्टंप आउट कर दिया, जहां यशस्वी जायसवाल जो कि 35 रन बनाकर बेहतरीन पारी खेल रहे थे यहां पहले ही आउट हो गए। अब दोस्तों ये पहला बड़ा झटका जब टीम इंडिया को लगा तब 72 रन की साझेदारी रोहित और यशस्वी के बीच हो चुकी थी। अब यहां रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली उतरे, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली पर अब पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों यहां रोहित शर्मा बड़ी बेकार तरीके से बोल्ड आउट हुए। दरअसल दोस्तों 22वां ओवर जब एजाज पटेल करवाने के लिए आए थे तो इसी ओवर की 5वीं गेंद को रोहित शर्मा डिफेंस करने के लिए गए, लेकिन दोस्तों गेंद बल्ले से भी लगी और आगे जाने की बजाय पीछे चली गई, और रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि गेंद पीछे भी जा सकती है, और गेंद जाकर स्टंप पर लग गई और ये कुछ सेकंड्स में हुआ, जिसके चलते यहां रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। और दोस्तों रोहित शर्मा इस दौरान बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत 63 गेंदों में 52 रन की पारी खेल ली थी, और वही ऐसे लग रहे थे जो कि इस मैदान पर ज्यादा स्कोर बना सकते थे। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद फिर उतरे सरफराज खान, जहां विराट कोहली और सरफराज खान ने मिलकर यहां से साझेदारी को संभालना शुरू किया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाया। इस दौरान एक तरफ सरफराज खान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे, और आप सभी यहां पर पूरी बल्लेबाजी भारत की देख भी सकते हो आज तीसरे दिन के मुकाबले की। और अब आपकी क्या राय है? अभी तो मैदान पर केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, अश्विन का भी आना बाकी है, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं और भारत को इस मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम के लिए ऐसा शतक देख लेने के बाद, और आप विराट कोहली, सरफराज खान को उनकी बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।